डेरा सच्चा सौदा, ये तीनों शब्द जब एक साथ जुबान पर आते हैं तो आंखों के सामने समाज सेवा की दूसरी परिभाषा आ खड़ी होती है। भूखों को खाना, प्यासों को पानी और बेआसरा के सिर को छत देने वाली ये संस्था आज जन कल्याण के 131 कार्य कर रही है। सुनने के बाद हर किसी की इच्छा इसके बारे में और जानने की होती है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि डेरा सच्चा सौदा कब, कैसे और कहां बना। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने 29 अप्रैल 1948 को की। शुरू में बाहर से ऊबड़ खाबड़ जमीन व कांटेदार झाड़ियों के वीरान इलाके में लगा ये पौधा देखने वालों के लिए एक फकीर का आश्रम नजर आ रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि यही पौधा एक नया भविष्य अपने अंदर समेटे हुए है। धर्म, जात, मजहब के फेर में उलझे मानव समाज को रूहानियत, सूफियत की असलियत से रूबरू करवाते हुए शाह मस्ताना जी महाराज ने राम नाम की ऐसी ज्योति जलाई जिससे लोगों का ये जहान भी सवरा और अगला जहान भी। बाबा सावन शाह जी महाराज ने आपको बागड़ का बादशाह बनाकर भेजा तो आपने सीमित साधन होते हुए भी 12 साल पूरे बागड़ में राम नाम का डंका बजाया और ऐसी ऐसी बख्शीशों के भंडार लुटाए कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबाए बिना न रह सके। 28 फरवरी 1960 को आप जी ने श्री जलाल आणा साहिब के जेलदार पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर डेरा सच्चा सौदा की बागडोर सौंप दी। आप जी ने डेरा सच्चा सौदा के उज्जवल भविष्य के बारे में अपने अनेक इलाही वचन फरमाकर 18 अप्रैल 1960 को चोला बदल लिया। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने 30 वर्ष तक साध संगत व इस पावन दरबार को अपने रहमो कर्म के अमृत से बड़े ही प्रेम प्यार से सींचा। आपने साध संगत को प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ाया कि समाज में आज भी लोग डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को प्रेमी कहकर संबोधित करते हैं। आप जी ने अनेकों शहरों की यात्रा कर रूहानी सत्संग किए और 12 लाख लोगों को ध्यान मार्ग की युक्ति सिखाकर उनका उद्धार किया। परमपिता जी ने उत्तर प्रदेश की साध संगत की सुविधा को देखते हुए बरनावा में रूहानी आश्रम का निर्माण करवा महान उपकार किया। आप जी ने साध संगत को मधुर भजनों की सौगात देने के साथ साथ पवित्र वचनों से सराबोर रूहानी ग्रंथों की रचना की। कविराज इन ग्रंथों से भजन गाते पर अपना 100% नहीं दे पाते। एक दिन अपनी मौज में आकर आप जी ने फरमाया कि एक दिन आएगा जब हम लिखेंगे, हम गाएंगे और हम ही बजाएंगे। इन वचनों को पूरा होते आज मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। तीसरी बॉडी के बारे में आप फरमाया करते कि तीसरी बॉडी ऐसी इलाही बॉडी होगी कि लोग खड़ खड़ कर देखा करेंगे। ऐसा बब्बर शेर लाएंगे जो दुनिया के हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देगा। तेईस सितंबर 1990 को परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा की बागडोर पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को सौंपकर रूहानियत के अध्याय के नए युग का सूत्रपात किया और लगभग 1.5 वर्ष तक साथ रहने के बाद 13 दिसंबर 1991 को चोला बदल लिया।
पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाने गुरगद्दी पर विराजमान होने के बाद रूहानियत की रफ्तार को जो नई गति प्रदान की वो विश्व कीर्तिमान बन गई और अब तक 79 विश्व कीर्तिमान पूज्य गुरु जी के नाम दर्ज हैं। नोहर भादरा रोड पर 60-60 फीट ऊंचे टीलों की जमीन जब डेरा सच्चा सौदा ने खरीदी थी तो लोगों ने इसे घाटे का सौदा कहा था। इन रेतीले टीलों में लोग दिन में जाने से भी डरते थे, पर आज यहां सेब, बादाम, काजू, अखरोट, आम, किन्नू, चीकू सहित काफी तरह के फलदार पौधों के बाग हैं और इसी रेतीली जमीन से एक साथ 13-13 फसलें लेने जैसे कीर्तिमान भी स्थापित हो चुके हैं। 45 से 50 डिग्री तापमान के बीच जड़ी बूटी और दूसरी फसलों की दोगुनी पैदावार लेने वाली डेरा सच्चा सौदा एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने कृषि को घाटे के सौदे से निकालकर बेहद फायदे का सौदा बना दिया। इतना ही नहीं, 60-60 फीट ऊंचे टीलों की जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं। आसमान से देखने पर डेरा सच्चा सौदा किसी जन्नत से कम नहीं लगता और सब पूज्य गुरु जी के अद्भुत आर्किटेक्चर और कठिन मेहनत से ही संभव हो पाया है। आप जी ने देश विदेश में जाकर राम नाम की अलख जगाई और करोड़ों लोगों को राम नाम और रूहानी जाम से जोड़ा। राम नाम के जाप से कभी न ठीक होने वाले रोगी तंदुरुस्त होने लगे हैं, मुर्दे तक जिंदा होने लगे हैं। जो मुंडा मेरा जिंदा करा पिताजी ने जी, बहुत बड़ा चमत्कार है। आज 10 पढ़ के मैकेनिकल का कोर्स करा ये इसने। बिगड़े काम बनने लगे हैं, लोगों की मुरादें बिन मांगे पूरी होने लगी हैं। आप जी की प्रेरणा का ही कमाल है कि अपने लिए जीने वाले लोग दूसरों के लिए जीने लगे हैं और इंसान इंसान के काम आने लगा है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। जीते जी लोग गुर्दा दान करने का जिगरा रखते हैं और मरने के बाद शरीर तक दान कर जाते हैं। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी समाज में पनपी भ्रांतियों से मुक्त होकर रक्तदान, पौधारोपण, नेत्रदान, सफाई अभियान व लोगों को नशा मुक्त करने में लगे हुए हैं। शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के रूप में डेरा सच्चा सौदा राहत सामग्री लेकर पीड़ितों के पास पहुंचने लगा है। गुजरात का भूकंप, उड़ीसा की बाढ़, राजस्थान का सूखा व बाढ़, कोटड़ा के आदिवासी समाज का पुनरुत्थान का कार्य, कश्मीर में बर्फबारी, उत्तराखंड प्रलय, नेपाल भूकंप के पीड़ितों का दुख दर्द बांटा तो जरूरतमंद को मकान, भूखे को खाना, बीमार को दवा, बच्चों को किताबें व खिलौने, जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को पोषक भोजन आसानी से मिलने लगा है। जरूरतमंद परिवारों की बेटी के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी भी अब साध संगत ने अपने जिम्मे ले ली है। जरूरतमंद पीड़ितों की मदद के लिए डेरा सच्चा सौदा द्वारा देश विदेश में चलाए जा रहे कार्यों को जब उंगलियों पर गिना गया तो वो 1, 2, 10, 20, 50 न होकर पूरे 131 जन कल्याणकारी कार्य बन गए हैं। भ्रूण हत्या का शिकार होने वाली बेटियों को पूज्य गुरुजी ने शाही बेटियां बसेरा बनाकर उन्हें न केवल अपना नाम दिया बल्कि एक पिता के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन पूज्य गुरुजी ने इतनी कुशलता से किया है कि ये बेटियां भी आज अपने को अनाथ या मंदभागी नहीं समझती। कहते हैं ना कि संत से किसी का दुख देखा नहीं जाता और वो सभी के सुख की दुआ मांगते रहते हैं। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु
संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाने भी साध संगत व आम जन की समस्या को नजदीक से जानने के लिए सेवादार भाई बहनों की अलग अलग 45 सदस्यीय, 25 सदस्यीय, 15 सदस्यीय कमेटियों की स्थापना कर ब्लॉकों का निर्माण किया है। ये सेवादार भाई बहन अपने अपने प्रांत के ब्लॉकों में डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे 131 जन कल्याणकारी कार्य करने में जी जान से जुटे हुए हैं। मंद बुद्धि कहकर समाज से दुत्कारे जाने वाले भाई बहनों को भी डेरा सच्चा सौदा के सेवादार उनके घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पूज्य गुरु के सिखाए संस्कार ही हैं कि कल तक जिन्हें देखकर लोग अपना मुंह मोड़ लेते थे, आज वही लोग सेवादारों को अपने से लगने लगे हैं। ਅੱਥਾਂ ਨਹਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਬਣ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਿਕਿਤਸਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਤੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸ਼ਿਵਰੋਂ ਮੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਚਿਕਿਤਸਕੋਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲਨੇ ਲਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਇਲਾਜ ਮਿਲਨੇ ਲਗਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਸ਼ ਨੇਤਰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ਿਵਰੋਂ व पोलियो चिकित्सा शिविरों में लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जीव जंतुओं को बेजुबान मानने वाला समाज उनके प्रति अपने कर्तव्य को भूला तो पूज्य गुरुजी ने सेवादारों को उनकी सार संभाल के दिशा निर्देश दिए। फिर क्या था, सेवादारों ने उनके लिए चारे व पानी का प्रबंध करने के साथ साथ दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उनके गलों व सींगों पर रिफ्लेक्टर बांधने का नेक कार्य शुरू किया हुआ है। यही बस नहीं हुई तो पूज्य गुरुजी ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलवाने के लिए अपने कार्यक्रमों में काउ मिल्क पार्टी का आयोजन करने के साथ अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया हुआ है। नव युग के सूत्रधार डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान समाज में कई अहम बदलाव लेकर आए हैं। आप जी ने बेटियों से वंश चलाने के लिए कुल का क्राउन परंपरा चलाई हुई है तो दिव्यांगों का जीवन भर साथ निभाने के लिए बेटियां मर्दानी भक्त वीरांगना बन आगे आने लगी है। लड़कियां अर्थियों को कंधा देने लगी हैं और अब लोग लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं मानते। बेटियों ने जब कदम बढ़ाए तो बेटे कैसे पीछे रह सकते थे। अपने गुरु के एक आह्वान पर वैश्यावृत्ति में लिप्त युवतियों से शादी करवाने के लिए आज हजारों युवा तैयार बैठे हैं। पूज्य गुरु जी ने आर्थिक रूप से कमजोर घरों की बेटियों, विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह करवाने जैसे कई और सराहनीय कार्य किए हैं। इतना ही नहीं, साध संगत अपने मृतक परिजनों की अस्थियों को भी डेरा सच्चा सौदा में देने लगी है, जिन पर पेड़ लगाकर उनकी याद को चिरस्थाई बनाया जाता है। पूज्य गुरुजी ही वो हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले गंगा नदी को साफ करने का बीड़ा उठाया और ऋषिकेश से लेकर हर की पौड़ी तक गंगा को निर्मल कर दिया, चमन बना दिया ऋषिकेश को, बिल्कुल स्वर्ग बना दिया। आज तो मैंने देखा पहली बार तो उनके नाम, हमारी आत्मा भी खुश हुई कि जय गंगा माई की, गंदगी तो सिर्फ दुनिया करने आती लेकिन सफाई करने वाले भी आप लोग आए हो यहाँ पर। इसके साथ ही देश के 31 बड़े शहरों में सफाई महाअभियान चलाकर गुरु जी उन्हें चकाचक कर चुके हैं। दुनिया को राम नाम से जोड़ने के लिए पूज्य गुरुजी ने काल के हथियारों को भी राम नाम का हथियार बना दिया। मारो अंदर से
शैतान निकालो, जीवो को नाम मारो, अंदर से शैतान निकालो, गम को डिलीट मारो, खुशी को सेव कर डालो। पहाड़ों में बैठकर की जाने वाली भक्ति आज सिनेमा घरों में होने लगी है। जी हाँ, पूज्य गुरुजी की 5 फिल्में बड़े पर्दे पर धूम मचा चुकी हैं और इनमें छिपे सामाजिक संदेशों को अपनाकर करोड़ों लोग सुधरने की राह पर अग्रसर हैं। सोशल मीडिया पर डॉक्टर MSG जब लाइव होते हैं तो अपने लाफ्टर शो में मजाक मजाक में ही कई तरह के टिप्स दे जाते हैं। लोग जहाँ इनकी चुटीली बातों पर ठहाके लगाते हैं, वहीं इनके नुस्खों को अपनाकर सरल और सुखी जीवन भी जी रहे हैं। शहर का बच्चा कैसे बात करता है? हाँ। कि मम्मी चॉकलेट देते हैं? हाँ। हाँ जी। मम्मा मुझे चॉकलेट चाहिए। मेरे को मैं अगर आपने चॉकलेट ना दिया ना, हाँ, मैं आज स्कूल मिस कर दूँ। ओके ना बेटा। हाँ। चॉकलेट दे दूँ। हाँ। अब आ गया गाँव वाला। हाँ। बच्चा सेम थिंग है, चॉकलेट तो इतनी गुड़ मांगेगा। इसके साथ ही पूज्य गुरुजी ने रोर 7 नाम का एक ऐप भी बनाया है, जिसमें कृषि और बाजार के साथ वो सब है जो दैनिक जीवन की जरूरत बन चुका है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने देश में एक नए युग के सूत्रपात का शुभारंभ कर दिया और समाज को बदलने का मार्ग बनने भी लगा है। पर डेरा सच्चा सौदा द्वारा देश व समाज हित में किए जा रहे कार्यों की लिस्ट ही इतनी लंबी है कि उन्हें गिनाना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा हो गया है। युग बदलने में तो वर्षों लगते हैं, पर डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरुजी ये कार्य कुछ ही वर्षों में करके दिखा चुके हैं। युग प्रवर्तक के रूप में संत डॉक्टर MSG द्वारा और क्या क्या बदलाव इस समाज में होने हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। पर इतना स्पष्ट है कि जो होगा बेहद अच्छा होगा और उसे देखने या सहभागी बनने का सौभाग्य शायद हम में से अनेक लोगों को जरूर मिलेगा।